यो व्हाट्स गाइस, आई एम रिकॉर्ड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी को पता है कि फोटो वही एडिट होता है जिसमें ब्लर होता है। एंड ब्लर जब आता है हमारे फोटो में कि जब हम अपने फोटो को DSLR से क्लिक करते हैं। बट दिक्कत वहाँ आती है कि जब हम अपने फोटो को DSLR से क्लिक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सभी के पास DSLR अवेलेबल नहीं होता है। एंड अगर हम ब्लर अलग से ऐड करते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से तो कुछ इस तरह से आता है। बट इस वाली वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज करके आप कुछ ऐसे फोटो को ऐसा ब्लर लगा सकते हैं। सो गाइस, बने रहिए हमारे इस पूरी वीडियो के साथ। इस पूरी वीडियो में एकदम डिटेल से बताएंगे कि आप कुछ इस तरह से ब्लर कैसे ऐड कर सकते हैं। सो विदाउट वार्निंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन से अपना फोटो क्लिक कर लेना है। एंड क्लिक करने के बाद हमारे दो स्टेप होंगे। सबसे पहले हम अपने हीलिंग टूल्स का यूज़ करके अपने बैकग्राउंड से अपने पर्सन को रेज करेंगे। एंड दूसरा, हम अपने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। ये दोनों स्टेप हमारे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर हो जाएंगे बहुत ही ईजी स्टेपों में। सो सबसे पहले हम अपने फोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में लेकर जाते हैं। सो गाइज, हमने अपने फोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लिया है। एंड ओपन करने के बाद हमें जाना है टूल्स पर। एंड टूल्स पर जाने के बाद हमें जाना है रिमूव पर। सो गाइज, ये रिमूव का जो ऑप्शन है वो आपको पिक्सआर्ट के प्रीमियम वर्जन में ही मिलेगा। अब पिक्सआर्ट का प्रीमियम वर्जन कहाँ से डाउनलोड करना है, इसके ऊपर मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। मैंने वीडियो बनाई है कि लाइटरूम का प्रीमियम वर्जन कैसे डाउनलोड करें। बट जिस वेबसाइट पे मैं सर्च करता हूँ लाइटरूम, वहाँ पर आपको पिक्सआर्ट सर्च कर लेना है। एंड वहाँ पर आपको ईजिली से ये अवेलेबल हो जाएगा। सो गाइस, आपको सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना है एंड रिमूव वाले ऑप्शन पर आ जाना है। एंड आने के बाद हमें साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है एंड अपने पर्सन पर इसे ब्रश करना है कुछ इस तरह से, एक बार में ही कर लेना है। एंड इतना करने के बाद हमें रिमूव पर क्लिक कर देना है। वॉइस कुछ इस तरह से हमें अपना पर्सन इरेज हो जाएगा। कुछ कुछ कमियां आएंगी तो आप उसे इरेज कर लेना, जैसे मेरे यहां पर बाल रह गए हैं। बस परफेक्ट है। इसके बाद कर देते हैं हम सही पर क्लिक। एंड सही पर क्लिक करने के बाद अब हमें इस वाले बैकग्राउंड में ब्लर लगाना है। अब ब्लर कैसे लगाना है, इफेक्ट में जाना है। एंड इफेक्ट में जाने के बाद हमें जाना है इस ब्लर पर। एंड ब्लर हमें थोड़ा लगाना है, अराउंड 9 के करीब, बस इतना। एंड इसके बाद कर देते हैं हम सही। सही पर करने के बाद अब हमें दोबारा जाना है टूल्स पर। एंड टूल्स पर जाने के बाद हमें जाना है ये स्टिल शिफ्ट पर। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसे पूरा नीचे को लेकर आना है एंड इसे यहाँ पर रख देना है, यानी कि ऊपर से थोड़ा ज़्यादा ब्लर एंड नीचे से कम। एंड कर देते हैं सही पर क्लिक। सो गाइस, हमारा बैकग्राउंड तो तैयार हो चुका है। अब इसे कर लेते हैं सेव। सो गाइस, हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जो है हमारे पर्सन का बैकग्राउंड रिमूव करना। सो गाइस, अब हमें इस वाले फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है। जाना है कटआउट वाले टूल्स पर एंड सभी वीडियो की तरह इस वाले वीडियो पर भी हमें क्लिक कर देना है पर्सन पर। एंड पर्सन पर क्लिक करने के बाद हमें बहुत अच्छे से सिलेक्शन कर लेगा। ज़्यादा परफेक्टली रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी थोड़ी बहुत कमी आएंगी तो उसे एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि मेरे यहाँ पर हैंड्स पर हैं थोड़ी बहुत। सो गाइस, बस इसके बाद कर देते हैं डन। एंड डन करने के बाद इस वाले फोटो कर देते हैं हम सेव। एंड सेव करने के बाद उस वाले बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन करते हैं जो हमने पीछे भी तैयार करा था। सो गाइस, बैकग्राउंड को लाने के बाद हमें जाना है ड्रॉ टूल पर एंड ड्रॉ पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद ये स्टेप आपको ध्यान से फॉलो करना है। जाना है ऊपर लेयर वाले टूल्स पर एंड हमें एम्प्टी लेयर पर जाने के बाद, यहाँ हमें एम्प्टी लेयर नहीं बनाना है, हमें जाना है फोटो लेयर पर। एंड हमें उस वाले फोटो को लेकर आना जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव करा था। एंड ये रहा वो फोटो। एंड सिंपली से इसे कर देते हैं डन। सो गाइस, बस इतना करने के बाद हमारे पूरे फोटो में एकदम DSLR की तरह ब्लर लग जाता है। अगर आपके फोटो में कुछ भी कमी आती है तो आप, जैसे कि यहाँ पर मेरे फोटो में ये कमी है, तो आपको इरेज पर जाना है एंड यहाँ पर इसे हल्का हल्का इरेज कर देना है कुछ इस तरह से।
सो गाइस एकदम परफेक्टली हो जाता है। अब इसे कर देते हैं सेव। गाइस इतना करने के बाद मैंने अपने फोटो में ब्राउन टोन डाली थी एंड अपने फोटो की स्किन स्मूथ करी थी। अगर आपसे ब्राउन टोन या फिर स्किन स्मूथ करना नहीं आती है तो इसके ऊपर मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, लिंक ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। इन दोनों वीडियो को देखो एंड आप स्किन स्मूथ करना एंड ब्राउन टोन डालना सीखो। सो गाइस बस यही था आज की वीडियो में। That's it for the video guys। यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप अपने स्मार्टफोन से अपने फोटो को क्लिक करके DSLR की तरह कैसे उसमें ब्लर ऐड कर सकते हैं। सो अगर समझ आ गया हो तो वीडियो करना जरूर से लाइक। अगर आप इस चैनल पर नए हो एंड यहाँ तक वीडियो देखी है तो जरूर से आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड चैनल को जरूर से कर देना सब्सक्राइब। सो मिलते हैं ऐसे किसी कमाल की वीडियो में, तब तक लें टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।